वेलकम टू माय चैनल एवी एंड ग्लोरी। मैं हूं अनुष्का। तो आज हम सीखेंगे एनिमल हु हेल्प अस, यानी जो एनिमल्स हमारी मदद करते हैं उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे डंकी लॉर्ड्स उठाने में हमारी हेल्प करता है, बफेलो एंड काउज हमें मिल्क देने में मदद करते हैं ना, और जो हैन होती है वो हमें एग देती है ना, तो उन्हीं को कहते हैं एनिमल हु हेल्प अस। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गो। आज का चैप्टर क्या है? एनिमल्स हु हेल्प अस, यानी जो एनिमल्स हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितने हैं? 5 क्वेश्चन है। इससे हम क्या है पढ़कर समझकर इनके आंसर्स इन ब्लैंक्स में क्या है फिल करेंगे। ओके, मतलब फिलअप करेंगे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन 1, ठीक है। Q1 का मतलब होता है Q1, Q2, ठीक है, Q3। Q का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, और A का मतलब होता है आंसर। ओके, क्वेश्चन वन क्या लिखा है पढ़ते हैं। द डोंकी हेल्प अस टू डैश लोड्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गधा होता है ना डंकी, वो हमें किसके लिए हेल्प करता है। द डोंकी हेल्प अस टू डैश लोड्स, वो किसके लिए मदद करता है? कैरी लोड्स, वो जो लोड होते हैं ना उन्हें क्या करता है? कैरी करता है, ठीक है। द डंकी हेल्प अस टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैरी, CARRY, कैरी। ओके, लॉर्ड्स। द डंकी, मेरे साथ पढ़ोगे सब, ठीक है। द डंकी हेल्प अस टू कैरी लॉर्ड्स। ओके, द डंकी हेल्प अस टू कैरी लॉर्ड्स। ओके, फिर देखो Q2, यानी क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 भी क्या बोल रहा है, देखो पढ़ते हैं आप क्वेश्चन 2 क्या भी बोल रहा है, अभी भी पढ़ते हैं। डॉग्स डैश अवर होम्स, यानी जो डॉग होते हैं वो हमारे होम की क्या करते हैं, क्या करते हैं? रखवाली। कैसे करते हैं रखवाली? जो कैसे करते हैं रखवाली? एकदम गार्ड जैसे। डॉग्स गार्ड अवर होम्स, इससे हम क्या करेंगे? छोटा बनाएंगे जी को, GUARD, गार्ड। ओके, GUARD, गार्ड। ओके, डॉग्स गार्ड अवर होम्स, यानी जो डॉग होते हैं वो रात में गार्ड जैसे, ठीक है ना, गार्ड जैसे हमारे हाउस की क्या है रखवाली करते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन 3, ठीक है। Q3 क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, देखो अब क्वेश्चन 3 पढ़ो मेरे साथ, सब मेरे साथ पढ़ेंगे। ओके, द कैमल ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन डैश, यानी जो कैमल होता है रेगिस्तान, जानते हो ना रेगिस्तान, हाँ राजस्थान में होता है, थार डेजर्ट है ना, तो रेगिस्तान जो डेजर्ट होता है ना, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में। द कैमल ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन डैश, यानी जो कैमल होता है वो डेजर्ट में क्या करता है? जो लॉर्ड्स होते हैं ना, जैसे डंकी भी लॉर्ड उठाता है, वैसे कैमल भी क्या है रेगिस्तान में जो लॉर्ड्स उठाता है वो क्या है पीपल्स के लिए उठाता है, और वो पीपल को रेगिस्तान में और क्या क्या कराता है, वो पीपल को क्या कराता है रेगिस्तान में? सवारी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेजर्ट। ओके, सब मेरे साथ लिखना, DESERT, डेजर्ट। ओके, द कैमल, सब मेरे साथ पढ़ो, द कैमल ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन डेजर्ट, यानी वो डेजर्ट में क्या है जो लोग होते हैं उन्हें क्या है सवारी कराता है, और उनके जो सामान होते हैं लॉर्ड्स वो उठाता है। ओके, फिर क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, देखो पढ़ते हैं।
द हैंड्स लेज डैश, ओके, द हैंड्स लेज ब्लैंक, ओके, यानी जो हैन होती है वो हमें क्या देती है, ठीक है, जो हैन होती है मुर्गी वो हमें क्या देती है, क्या देती है, एग्स देती है, यानी अंडे देती है, ओके, द हैंड्स लेज एग्स, ओके, द हैंड्स लेज एग्स, मेरे साथ पढ़ना आप बोलो, द हैंड्स लेज एग्स, ओके, यानी मुर्गी क्या है, अंडे देती है, ठीक है। फिर क्यू फाइव मीन्स क्वेश्चन फाइव, व्हाट क्वेश्चन फाइव इज टेलिंग, वी रीड, ओके, सी, द बफेलो गिव्स अस डैश, यानी इसमें तो मैंने सिर्फ बफेलो लिखा है, पर बफेलो और काउ सेम देते हैं, ठीक है, द बफेलो गिव्स अस, जो बफेलो होती है, भैंस, भैंस जो होती है ना वो हमें क्या देती है, बफेलो हमें क्या देती है, क्या देती है, जिससे हम पी के बड़े होते, हिंट दिया है, क्या होता है, मिल्क, यानी दूध, द बफेलो गिव्स अस मिल्क, तो हम यहाँ पे मिल्क लिखेंगे, एम आई एल के, मिल्क, ओके, द बफेलो गिव्स अस मिल्क, यानी जो भैंस होती है वो क्या देती है, हमें दूध देती है, जिससे हम बड़े होते हैं, है ना। तो अब सब मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला वापस से पढ़ना है तो मेरे साथ पढ़ना, द बफेलो, बोलो, द बफेलो गिव्स अस मिल्क, यानी जो बफेलो होती है वो हमें दूध देती है, ओके। अब हम इन सबको वापस से रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वन, द जंकी हेल्प्स अस टू कैरी लोड्स, ओके। क्वेश्चन टू, डॉग्स गार्ड अवर होम्स, ओके। नंबर थ्री, द कैमल ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन डेजर्ट। क्वेश्चन फोर, द हैंड्स लेज एग्स, ओके। क्वेश्चन फाइव, द बफेलो गिव्स अस मिल्क। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, बाय।